वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू दिस शो हितेश। थैंक यू रुचि। हितेश जी के साथ हमारा काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है और आज तीसरा दिन है उनके साथ ये डिस्कशन करने का। मार्केट की कुछ बारीकियों पे बात की जा रही है यहाँ पर, और मार्केट की बारीकियों में एक और चीज जो मुझे नजर आई है वो मैं आज हितेश जी के साथ डिस्कस करके आप तक कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कॉफी विद शेयर गुरु के माध्यम से, कि मार्केट मेकिंग जो टर्म सभी जानते होंगे पर कुछ कम लोग प्रैक्टिस करते होंगे इस चीज़ को। तो हितेश जी से जानेंगे कि मार्केट मेकिंग जब आती है, अभी भी इसकी कुछ क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास कि मार्केट मेकिंग होती किस कैसे है या उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो हितेश आप बताइए कि किस तरीके से मार्केट मेकिंग एक पॉजिटिव मूव है इन्वेस्टर्स के लिए। जी बिल्कुल रुचि, जैसा कि इसका नाम है मार्केट मेकिंग, इसका मतलब हुआ कि कोई हमारे लिए बाजार बना रहा है, मार्केट मेक हो रहा है, बन रहा है। अब इसमें क्या है, मैं आपको ये बता दूँ कि जो रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, उसने एक्सचेंजेस को परमिशन दी है कि आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। और नए प्रोडक्ट्स के साथ में एक दिक्कत यह होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि नया प्रोडक्ट हो सकता है फंडामेंटली ट्रेडिंग के लिए वायबल हो, मगर शायद उसमें लिक्विडिटी नहीं होने के कारण जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या ऐसे लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं उस प्रोडक्ट में, वो भी ट्रेड नहीं कर पाते, बिकॉज मार्केट्स आर मेड आउट ऑफ लिक्विडिटी। बाजार जो है वो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। अब होता ये है रुचि कि नया प्रोडक्ट कभी भी भरा हुआ नहीं होता है, लिक्विडिटी से फ्लडेड नहीं होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है सेबी ने और एक्सचेंजेस के साथ में। सेबी ने क्या किया, सेबी ने मार्केट मेकिंग मतलब कोई ऐसा व्यक्ति एक एक्सचेंज चूज कर सकता है, एक व्यक्ति मेरा मतलब है एक इंस्टीट्यूशन वो चूज कर सकता है और उसको बोल सकता है कि आप हमारे लिए एक प्रोडक्ट को लिक्विड बनाएं। लिक्विड बनाने का मतलब होता है कि वो एंटिटी दोनों भाव हमेशा देगा, हमेशा देगा। और दोनों भाव का मतलब होता है, देखिए दो भाव रहते हैं बाजार में, खरीदने का भाव और बेचने का भाव। अब नया प्रोडक्ट है तो जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा खरीदने का भाव ही दिखे या बेचने का भाव ही दिखे, मगर मार्केट मेकर क्या करेगा, वो खरीदने और बेचने दोनों का भाव रहेगा और पूरा भर के मार्केट डेप्थ रखेगा, जो हम बोलते हैं टॉप फाइव बायर्स और टॉप फाइव सेलर्स, ये पूरा भर के रखेगा। और सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस में नहीं रखेगा, वो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस जो ऑप्शंस की होती है उसको उसमें देगा। और इस तरीके से वो एक तरीके से काउंटर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। तो मेरे या आपके जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जब भी एंट्री और एग्जिट करना चाहते हैं कोई नए प्रोडक्ट में जिसमें डायरेक्ट लिक्विडिटी नहीं है, उसमें मार्केट मेकिंग के थ्रू मार्केट मेकर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सो इट बेसिकली गिव्स अस क्विक एंट्रीज, इजी एंट्रीज, क्विक एग्जिट एंड इजी एग्जिट्स। सो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लिक्विडिटी फ्लड होती है मार्केट में। हितेश एक और सवाल है गोल्ड पर, जैसे गोल्ड ऑप्शंस है, गोल्ड मिनी है, तो इन्हें हम कौन से एक्सचेंज पे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, तो हर एक्सचेंज एक अलग तरीके से डील करता होगा जब भी ये इसमें खरीदना या बेचना आता होगा। तो आपके हिसाब से जब ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं और आपके पास वैरायटीज ऑफ प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रेडिंग करने के, तो आपकी क्या एडवाइस है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ अ राइट प्लेटफॉर्म टू ट्रेड इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स की टू सक्सेस। सो पहला अगर कदम किसी को लेना है तो उसको ये पता होना चाहिए मेरे को कहाँ पे ट्रेड करना है। अब देखिए मैं मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी और दो कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा यहाँ पे। देखिए रुचि, एक मार्केट जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब मार्केट मेकिंग होना चाहिए।
जो है नए प्रोडक्ट्स में। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो डेटा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि आप उसके थ्रू वर्ल्ड में कहीं भी जाके देख सकते हैं कि क्या मुझे इस एक्सचेंज के इस प्रोडक्ट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप वहाँ पे जाके उस एक्सचेंज के उस कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखें कि क्या ओपन इंटरेस्ट है या नहीं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर स्टिल ओपन, मतलब लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े हैं बाजार में, सिर्फ वॉल्यूम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लोग अपना कैपिटल एंगेजमेंट रखें। तो आप कोई भी एक्सचेंज पर जाइए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप गोल्ड मिनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट देखिए, आप MCX पे देखिए, आप BSE पे देखिए और आप NSE पे देखिए, गोल्ड मिनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। आश्चर्य का बात आपको पता चलेगा रुचि कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विडिटी विच इज ओपन इंटरेस्ट, अ ट्रू लिक्विडिटी इज ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो NSE कमोडिटीज में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट इस समय बाजार में। तो मेरे हिसाब से एक रिटेलर जो वो कोशिश करता है क्विक एंट्री क्विक एग्जिट्स, इजी एंट्री इजी एग्जिट्स, वो मार्केट मेकिंग और ओपन इंटरेस्ट के थ्रू डिटरमाइन होती है एंड बोथ द थिंग्स आर देयर ऑन NSE कमोडिटीज। सो मेरे हिसाब से NSE कमोडिटी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एट दिस मोमेंट फॉर गोल्ड एंड विद स्पेसिफिकली रेफरेंस टू रिटेल पार्टिसिपेशन ऑन गोल्ड मिनी ऑप्शंस। जी हितेश, बहुत ही तरीके से आज हितेश ने बताया है कि किस तरीके से एक्सचेंज पर गोल्ड ट्रेड किया जाता है, कौन सा एक्सचेंज बहुत बड़े पैमाने पे उसकी ट्रेडिंग कर रहा है NSE। तो हम बने रहेंगे आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ और भी कई सारी चर्चाओं को लेकर। जब तक आपके सवाल या कोई भी तरीके का आपको क्वेरी है किसी भी तरीके की, अपने स्टॉक मार्केट की क्वेरीज को लेकर या अपने इन्वेस्टमेंट की क्वेरीज को लेकर, आप कॉफ़ी विद शेयर गुरु पर लॉग ऑन कर सकते हैं www.coffeewithshareguru.com, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 9833129445 पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।